गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित जंबु फलचारु भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादु पंकजं। जी हां, गणपति गणनायक की आराधना के साथ, पूजा के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है और आज रामोत्सव की इसी कड़ी में आज के अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के जिस राम मंदिर को देखने का स्वप्न, जिस राम जी के चरण छूने का स्वप्न, रामलला के उनके ही जन्म स्थल पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का स्वप्न राम भक्तों ने देखा था, वो स्वप्न पूरा हो रहा है। जी हाँ, अब वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है, गर्भगृह में राम लला विराजमान हो चुके हैं और प्रतिष्ठित होने के साथ साथ उनकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है। राम मंदिर में आज वैदिक रीति रिवाज के साथ अग्नि की स्थापना की जाएगी, अरणि मंत्र मंथन जिसे कहा जाता है, अरणि मंथन किया जाएगा। प्रातः 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज की ही अगर हम केवल बात करें तो कुल 20 संस्कार होने जा रहे हैं और इन 20 संस्कारों की सूची अगर मैं आपके सामने रखूं तो शायद हो सकता है कि मेरी जुबान भी थक जाए। आज गणपति, जैसा कि मैंने कहा, उनकी आराधना के साथ, गणनायक महाराज की आराधना के साथ सभी स्थापित देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ हुआ। अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि कुंड में उनकी स्थापना की गई। वेद परायण, देव प्रबोधन, औषधिवास, केसर अधिवास, घृत अधिवास, कुंड पूजन और पंचभू संस्कार किया जाएगा और फिर गृह स्थापन, असंख्यात रुद्री पाठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, ये सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वाकई में ये तस्वीर मन मोहने वाली है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ ही उनकी प्रतीक्षा की पूर्ति करने वाली ये तस्वीर है। आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह की तस्वीर है। राम मंदिर से जो नई तस्वीर आई है उसमें दिव्यता दिखाई दे रही है। विधि विधान के साथ पूजन पाठ की विधि जो अपनाई जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राम मंदिर के अंदर और बाहर, राम मंदिर की नई फोटो और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, सिंह द्वार की तस्वीर है जिसकी 32 सीढ़ियां चढ़कर राम भक्त प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। मंदिर कितना खूबसूरत बना है, उसका शिखर आप देख रहे हैं। जब लोग ये आलोचना करते हैं और विरोध करते हैं कि मंदिर तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, कैसे पूजन किया जा सकता है, कैसे विधि विधान अपनाया जा सकता है, तो जरा मंदिर की ये तस्वीर आप देखें। ये मंदिर गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर का जो शिखर है वो भी तैयार हो चुका है, जो गर्भगृह का शिखर है, यानी कि ये खूबसूरत नक्काशी इस वक्त प्रभु श्री राम जी को प्रतिष्ठित किए हुए इस मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और मंदिर से ये जो पहली तस्वीर सामने आई है, इसके साथ ही भगवान की भी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। गर्भगृह की हम बात कर रहे हैं, गर्भगृह में विराजमान किए गए रामलला की मूर्ति को अब हम आपको दिखाते हैं। 51 इंच का ये विग्रह गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अभी इसका चेहरा ढका हुआ है, आपको कहते हैं ना कि लला है, ये एक विग्रह है, इन्हें नजर ना लग जाए, इनकी आंखों को नहीं खोला जाएगा, इनके चेहरे पर से पर्दा नहीं हटाया जाएगा जब तक पूजा अनुष्ठान की पूरी विधि समाप्त नहीं हो जाती है। और ये तो 22 जनवरी को ही इस चेहरे पर से ये पर्दा हटेगा और आपको वो दिव्य दर्शन होंगे। रामलला को विराजमान करने का पूरा कार्यक्रम विधि विधान के साथ किया जा रहा है। ये तस्वीर गर्भगृह के ठीक सामने की है। भक्तों की मौजूदगी में सारे कार्यक्रम हुए हैं। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान कर दिए गए हैं, लेकिन अभी गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में प्राण नहीं आए हैं, अभी ये केवल प्रतिष्ठित हुए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। हिंदू तन मन इस वक्त राम जी के मन में, राम भक्तों के मन में जो राम जी की छवि उकेरी जा रही है, वाकई में वो बड़ी ही दिव्य है। एक तस्वीर आइए अब हम आपको दिखाते हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न की जो तस्वीरें हैं वो कोने कोने से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के गांव वडनगर से भक्तों की टोली कलश में जल लेकर पहुंची है। हमारे संवाददाता पवन नारा भी यहां मौजूद हैं। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में जश्न है और देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं। यहां से जो भक्त पहुंचे वो खास इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वड़नगर से आए हैं। आप वड़नगर से आए हैं, हाथ में कलश है, किस भावना के साथ आए और एक कलश किस जल से भरा है? ये कलश हमारे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर के इष्ट देव स्वयंभू हाटकेश्वर महादेव वड़नगर का है, जहाँ बचपन में वो पूजा करते थे, तालाब में मगर को पकड़ते थे। तो ये इसी इष्टदेव का जल है। हम वड़नगर वासियों की भावना है कि आज 500 साल के बाद हमारे राम घर पे पधारे हुए, राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 108 नदियों से, तो ये जल भी नरेंद्र मोदी सर तक पहुँचे और ये जल का भी समर्पित हो भगवान राम के चरणों। भगवान के चरणों में जल समर्पित करने हैं। गुड़िया भी है, गुड़िया अयोध्या कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार आए हो? हाँ। तो कौन सा भजन गुनगुना रही हो आजकल? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो इन भजनों के साथ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में और वड़नगर से जल लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ये अयोध्या के वो भक्ति रंग हैं जो यहाँ की भूमि को दीप्तिमान कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं। राम मंदिर में तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं और इन अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए यज्ञशाला भी मंदिर परिसर के अंदर बनाई गई है। उस यज्ञशाला की भी तस्वीर सामने आ चुकी है, वो तस्वीरें आप देखिए जहां पर बैठकर यजमान इस वक्त लगातार हवन और पूजन कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य अनुभूति देने वाला ये नजारा है, बड़ी ही दिव्य अनुभूति देने वाले ये दृश्य है, जहाँ पर आप देखे पूरी तरीके से बैम्बू का और जो घास फूस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इन यज्ञशालाओं को बनाया गया है और यजमान यहां बैठकर लगातार यज्ञ और पूजन कर रहे हैं। राम मंदिर में आज मुख्य रूप से तीन तरह के अनुष्ठान होने वाले हैं। पूरी रूपरेखा भी आइए आपको बता देते हैं ये तीन तरीके के अनुष्ठान कैसे होंगे। पहला अनुष्ठान जो हमने कहा वो अग्नि की स्थापना का है। वैदिक रीति रिवाज के साथ अग्नि की स्थापना की जाएगी, लकड़ी के जरिए अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा अनुष्ठान है नवग्रह की स्थापना। आप जानते हैं जब घर का भी भूमि पूजन होता है उस वक्त भी नवग्रहों को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है और नौ ग्रहों की शांति की जाती है, शांति पाठ भी होता है। तीसरा अनुष्ठान है हवन का और जिस तरीके के हवन कुंडों की वहां पे तैयारी की गई है, यजमान वहां पर बैठे हुए हैं, वो तीसरा अनुष्ठान हवन का है। अब राम मंदिर में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अग्नि स्थापना के अलावा देव पूजन, गणपति गणराज के पूजन के साथ साथ सभी देवताओं का आवाहन किया जाएगा, उनकी आराधना की जाएगी, फिर वेद परायण किया जाएगा, देव प्रबोधन किया जाएगा, औषाधिवास होगा और केसराधिवास होगा। आप जानते हैं कल रामलला की मूर्ति का उस विग्रह का जलाधिवास करवाया गया और रात भर सौगंधाधिवास करवाया गया और अब ये केसराधिवास की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसके अलावा घृतवास यानी घी का अधिवास होगा, कुंड पूजन होगा, पंचभूत संस्कार होगा, गृह स्थापन, असंख्यात रुद्र पाठन संस्थापन और प्रधान देवता स्थापन भी किया जाएगा। अगले तीन दिनों तक कई कार्यक्रम होने हैं, इसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम कल का आपको बता दें कि सरयू के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा, वास्तु शांति और अन्नाधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों के द्वारा रामलला का स्नान करवाया जाएगा और फिर उनका शैयाधिवास होगा। 22 जनवरी को रामलला का अभिषेक किया जाएगा और फिर जिस घड़ी की प्रतीक्षा असंख्य राम भक्त कर रहे हैं वो क्षण भी आपके सामने होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अयोध्या में जगह जगह राम मंदिर के मॉडल के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और ये सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाए गए हैं, हर कोई 22 जनवरी को तो राम जी के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से मंदिर के करीब जा पाएगा, इसलिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं जहां पर जाकर राम भक्त तस्वीरें ले सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या को सजाने के क्रम में फूल मालाओं के अलावा इस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर के
कटआउट्स लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट, नीचे हैशटैग जय श्री राम लिखा है और लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ यहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं और इस तरीके की सेल्फी पूरे कॉरिडोर में पूरे अयोध्या में लगाई जा रही है। यानी जो भी अयोध्या आएगा वो प्रभु श्री राम के दर्शन तो पाएगा, साथ ही पूरा माहौल कुछ इस तरीके का है, आपको कण कण में यहाँ राम और राम का उत्सव ही नजर आएगा। आपने इस उत्सव की अलग अलग तस्वीरें देखी, एक तस्वीर और आपके सामने रखती हूँ। जब बात रामायण की होती है तो उन प्रसंगों की बात होती है, राम जी के जन्म से लेकर राम जी का विवाह, राम जी का वनवास और जिस तरीके से राम जी ने लंका में रावण का वध किया उसकी एक एक तस्वीर का चित्रण इस वक्त पूरी अयोध्या में किया गया है, ये कैसा दिखाई देता है? आइए आपको हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अयोध्या नगरी में जैसे ही आपकी शुरुआत होगी, रामलला के मंदिर जाने तक की जो सड़क है उसके दोनों तरफ आपको भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां पर दोनों ही तरफ सड़कों पर पूरी रामायण को जो है दर्शाया गया है। शुरुआत में रामलला से शुरुआत होते हुए जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उसके साथ ही दीवारों पर इस तरीके से पूरे रामायण के अलग अलग पात्र जो है उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत सुंदर पत्थर से ये कलाकृति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और सजावट का काम जो है लगातार जारी है। इस तरीके से रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं, जो दोहे हैं, वो यहाँ पर उनके बैनर पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया है। अभिनंदन जो है जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके तमाम बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रामायण में जिस तरीके से जब सीता माता को हरण कर ले जाते हैं रावण, उसके बाद जिस तरीके से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जाते हैं उस तरीके के अलग अलग पात्र जो है वो यहाँ पर इस तरीके से पत्थरों के जरिए एक एक पात्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सजावट का काम सड़क के दोनों तरफ ही लगातार जारी है और कोशिश ये की गई है कि जैसे ही अयोध्या नगरी के अंदर आपकी एंट्री हो आपको भगवान श्री राम जय श्री राम की तस्वीरों के साथ साथ रामायण के अलग अलग पात्र जो है वो बेहद ही सुंदर कलाकृतियों के अंदर इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं काम भी यहाँ पर चल रहा है और कलाकृति जो है पत्थर से एक एक स्वरूप जो है रामायण का उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यानी कि जैसे ही आप अयोध्या नगरी के अंदर एंट्री करेंगे आपके सड़क के दोनों तरफ जो आपने रामायण देखी है सुनी है उसकी एक एक तस्वीर बेहद ही सुंदर कलाकृतियों के साथ आपको नजर आएगी। आपने देखा किस तरीके से एक एक तस्वीर को, रामचरितमानस को, रामायण के प्रसंगों को उकेरा जा रहा है।